देखिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों कब क्या कुछ कर देंगे, कब कुछ क्या बोल देंगे, किसी को नहीं पता। दरअसल बताते चले कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुबह में ही जो है वह मुख्य सचिवालय पहुंचे थे अचानक, और उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू दफ्तर पहुंचे हैं, जहां के विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ वित्त मंत्री विजय चौधरी भी हैं, और जिस तरीके से जेडीयू कार्यालय पहुंचे हैं तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से उनके चैम्बर में जाकर वह मुलाकात भी किए हैं, लेकिन जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कार्यालय में नहीं हैं। आपके जानकारी के मुताबिक बताते चले कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एकाएक जेडीयू कार्यालय पहुँच गए, जहाँ तमाम जो लोग थे उनमें खलबली मच गई। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब जेडीयू कार्यालय पहुंचे तो किन्हीं को नहीं पता था कि मुख्यमंत्री जेडीयू कार्यालय अचानक पहुंच जाएंगे। देखिए विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू दफ्तर पहुंचे हैं तो लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। उनके साथ संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी भी है, तो कहीं ना कहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों कब क्या कुछ करेंगे, क्या कुछ बोलेंगे, किसी को नहीं पता। इससे पहले भी सुबह की तस्वीर दिखाई थी, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू मुख्य सचिवालय पहुंचे थे, उसके बाद जनता के दरबार में भी गए थे, जनता दरबार में गए थे, और उसके बाद अभी से थोड़ी देर पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू दफ्तर कार्यालय पहुंचे हैं। विजुअल्स दिखा रहे हैं, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू कार्यालय में निकल रहे हैं। नहीं जाएंगे। हाँ उधर बनाओ ना, अंदर 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 जी बना क्या आप अभी माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसएस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसएस फर्टिलिटी के कम लागत वाले IVF उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।